नेमिनाथ वैराग्य की ओर यहाँ 8 बजे से आयोजित पंडित जी के प्रारंभ में और बाहर जितनी भी माताएं बहनें और पुरुष हैं वो खीर से सीख पंडाल में आ जाएं। क्या हो गया?
Thank you.
श्री महावीर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की। बंधुओं, नेमि कुमार की बारात यहाँ प्रांगण में प्रवेश कर चुकी है और महिलाएं मंगल आरती के साथ नेम कुमार की आगवानी कर रही हैं। ये भव्य दृश्य आप देख रहे हैं एमडी जैन के मेला प्रांगण में। नेमि कुमार का स्वागत करने के लिए खड़ी हुई है, तिलक द्वार हो रहा है, आरती उतारी जा रही है। चलो चलो भैया, रास्ते जोड़ो, निकलने दो। भगवान की जय। मीडिया प्रभारी सतीश चंद शर्मा जी कृपया देवी ऊपर आवे और यहाँ दीप प्रज्वलन में हमारे जगदीश प्रसाद जी जैन जो कि आज के चित्र नावा करता है, श्री नीरज कुमार पंकज कुमार जी जैन सीटीवी वाले और दीप प्रज्वलन करता है हमारे नवीन जैन धमनानगर। सभी से निवेदन है कृपया मंच पर आकर जगदीश प्रसाद के जी को श्री विनोद चंद जी, श्री गोखले जी, श्री अग्रवाल राकेश अग्रवाल जी जो जगदीश प्रसाद के अध्यक्ष है और श्री रामनाथ बाबा जो संगीत भगत परिषद के मंत्री है। मीडिया प्रभारी इस भगत संगीत परिषद के मीडिया प्रभारी सतीश शर्मा वह भी अच्छा हाथ लगा लेना, जरा हाथ लगा लो नमीन भाई, हाथ लगा भाई साहब, जरा थोड़ा थोड़ा उधर आया हूँ इधर इधर भाई साहब, हाथ लगा लो जरा पर्दे से, पर्दे से हाथ लगा लो। महावीर भगवान की जय। सीधा लगा ना, लेफ्ट से। अरे ऐसे कस लो मुझे, दोनों हाथ से जो मंत्री जी की फोटो नहीं रह जाए दोबारा खींच लो आप। हमारे परिषद के उपमंत्री से भी निवेदन करूंगा और आशीष जय मोनू कृपया मंच पर आकर सहयोग करें और ये कार्यक्रम संपन्न हो चुका है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने स्थान पर विराजमान हो जाए। सामने वाली दीर्घा में हमारे पूर्व मंत्री कृपया श्री राकेश पर्दे वाले जो हमारे परिषद के उपाध्यक्ष हैं उनसे भी निवेदन है कृपया मंच पर आकर सभी का स्वागत करें। सभी लोग स्वागत करें। और श्री भगवान जी का हमारे आगरा के हमारे परिषद के अध्यक्ष
आगरा देवबंदर परिषद के अध्यक्ष अशोक जैन हमारे पूर्व मेयर वे श्री अंबानी का माल्यार्पण का स्वागत करें। आशू जैन मोनू जो हमारे परिषद के मीडिया प्रभारी हैं, उनसे भी निवेदन है श्री राम बाबू जी का स्वागत करें। श्री बच्चन जी जैन का माल्यार्पण का स्वागत करें। राकेश अग्रवाल श्री बच्चन जी कौन से राकेश अग्रवाल जी जो संगीत परिषद के हमारे मंत्री हैं, मैं निवेदन करूंगा लेना भाई साहब हमारे परिषद के अध्यक्ष श्री अशोक जैन पूर्व प्रीमियर से महेश स्वागत करें। बोसा आ रहे हैं महेश जी, मैं चाहूंगा कि उनका स्वागत मैं अपने घर कमलों से करूं, उनसे निवेदन है फिर मैं मंच पर आ जाए। संरक्षक पूरी जैन समाज के संरक्षक जो है, मैं डॉक्टर कश्मीर सिंह जी क्वेश्चन से निवेदन करूंगा कृपया वो मंच पर आकर पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार कश्मीर सिंह कौशल जी का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हुए बोले महावीर भगवान की। मैं जयंती योगी पूर्व मंत्री श्री भोलानाथ जी जैन से भी निवेदन करूंगा कि कृपया मंच पर आकर यहाँ डॉक्टर साहब का स्वागत करें। संजय से कहनी पड़ेगी सामने संगीत परिषद को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ सतेन सावला को कृपया भगत का मंच कराने के लिए मंच की व्यवस्था समाज संगीत परिषद के जितने भी हमारे सम्मानित संरक्षक गण एवं पदाधिकारी गण है हमारा उनसे अनुरोध बोलिए महावीर भगवान की। देखिए अपार जनसमूह आवाज बहुत कम इसलिए मेरा अनुरोध है शक्ति के साथ एक जयकारा लगाइए बोलिए महावीर भगवान की। छिपीटोला के सभी बैठी तो सही पड़ी है बता दी छिपीटोला के सभी और सुमरु देव गणरा सुमरु पास जिने बचा।
सभी श्री श्याम ये बालक सभी रूप धर के तुम्हारा चले मंच पर रूप धर के तुम्हारा चले मंच पर लो लगी है प्रभु जी लो लगी है प्रभु जी शरण आपके लो लगी है प्रभु रखना प्रभु ख्याल रखना प्रभु ये उतर खरे ख्याल रखना प्रभु निराश न हो साहस बढ़े निराश न हो शब्द की हो उच्चारण सही मेरे गुरुराज जी हो उच्चारण सही मेरे गुरुराज जी वंदन करूं बारंबार गुरु वंदन कर महेश मुकेश
भंसारी महेश मुकेश सतेंद्र है धनी बाप के, सतेंद्र है धनी बाप के, मुकेश लले की मुकेश लले की यही प्रार्थना मुकेश लले। छिपिटोला की हैगी छिपिटोला की हैगी यही कामना छिपिटोला श्री विनोद, लेकिन उनके एक जीवन की छोटी सी घटना ने उनके सारे जीवन को बदल दिया और आज हम उनका गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। नेमनाथ वैराग्य की ओर नामक भगत का कथानक वैसे तो महाभारत काल का कथानक है। नेमनाथ जी श्री कृष्ण के चचेरे भाई थे। ये आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दें कि कृष्ण और नेमनाथ चचेरे भाई थे और आपस में इनका एक दूसरे से बहुत ही प्रेम भाव था। ये कथानक भगवान नेमनाथ के जीवन के मात्र एक हिस्से का ही वर्णन करता है। नेमनाथ की शादी जूनागढ़ के राजा उग्रसेन की बेटी राजुल के साथ होना निश्चित हुई थी और उसी शादी के परिप्रेक्ष्य में जब भगवान नेमनाथ अपनी जन्म स्थली सौरीपुर बटेश्वर, जो कि हमारे आगरा जिले का ही एक हिस्सा है, यहाँ से भगवान नेमनाथ की बारात जूनागढ़ गुजरात के लिए उस बारात में प्रस्थान किया। उस बारात की विशेषता थी उसमें हजारों लाखों हाथी घोड़े और रथों पर सवार होकर के तमाम बराती वहां जूनागढ़ में पहुंचे थे और उस बारात का एक छोटा सा दृश्य अभी आप लोगों के सामने हमने प्रस्तुत किया था। हमने भी नेम कुमार की बारात यहाँ से संजय पैलेस के प्रांगण में होते हुए अभी यहाँ लेकर के हम आए थे और वे संभवतः सभी बराती आज हम लोगों के बीच में उपस्थित हैं।
दिया निमंत्रण आपको। ए जी दिया निमंत्रण आपको और की ना तुमको या Oh,
पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन, पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र जैन और
सुनिएगा इस काव्य कला भगत संगीत के माध्यम से। तुम झूला घर में आज खुशी चौतरफा छाई है, जगह जगह बज रही मधुर धुन में शहनाई। Thank you.
सुवन की किले कार सुन जी स्वामी पसवन की किले कार सुन और नैनी आए सजे नैनी आए सजे पाए करे सारे जी कोई पास बोला करे सारे थी और कारण लगे संगे कारण लगे संगे और इसकी समस्त आगरा में 17 शाखाओं को ये संचालित करती है। मैं आगरा के उन 17 अखाड़ों से पधारे हुए अध्यक्षगणों का, उनके खलीफाओं का और जितने भी वहां से श्रेष्ठजन यहाँ पधारे हैं उन सभी का मैं यहाँ गुरु बूचा सिंह अखाड़ा की ओर से हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिवंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और अब आप अगले दृश्य को देखें। Yeah.
Bye.
सभी हमारे श्रोता बंधुओं से विनम्र अनुरोध है। Oh,
नेमनाथ अपने मन की बात कह रहे हैं, दोनों का अंतर द्वंद बड़ी तीव्रता से अंदर चल रहा है कि हम क्या करें क्या ना करें। पर अब नेमी आपके सामने अपनी मन की व्यथा कहेंगे। एक विशेष बात आपको इसी बीच में और बता दूं बंधु,
प्रभु सुनी, श्री कृष्ण ने जब सुनी, आज वो अनूठी होकर श्रीमान पवन कुमार राजेंद्र कुमार जी जैन धौलपुर हाउस वालों ने 5100 रुपए इन सभी पात्रों के लिए भेजे हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब श्री कृष्ण जी आपके सामने प्रस्तुत हैं, वे भी प्रयास करेंगे अपने भाई नेमीश्वर को समझाने का। अब देखिए किस अंदाज में श्री कृष्ण अपने भाई नेमी को समझाते हैं, प्रस्तुत है आपके सामने।
क्षमा कर दीजिए। पगड़ी तुम्हारे पांव डाल अब रख ली। और एक पेन भेंट करने की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अखाड़ा गुरु नंदराम जी लहरी खंड ताजगंज से 5001 रुपया सभी पात्रों को देने की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद। पिता श्री श्री नैम के समुद्र विजय बहुत
Come on.
पूर्व में आपको बताया था कि ये नेमिनाथ और बलदाऊ आपस में चचेरे भाई हुआ करते थे, और आज आपके सामने आज भी ये नेमिनाथ और बलदाऊ चचेरे भाई हैं, और ये बलदाऊ अब आपके सामने हल्दारी अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं।
कर्मी इन्होंने 500 रुपए सभी पात्रों के लिए यहाँ देने की घोषणा की है। श्री रूपेश कुमार सचिन जैन खेरिया वाले 2100 रुपए इन्होंने देने की घोषणा की है, घोषणा नहीं की नगर आ गए हैं। श्री ब्रजेश कुमार विमल कुमार जैन चिप्पीटोला से 1100 रुपए इन्होंने प्रदान किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। आगरा दिगंबर जैन परिषद की ओर से 11000 रुपए की घोषणा की गई है। श्री गुरु काशीनाथ आरा के शिष्य है श्रीमान पूरन चंद जी जैन, मैं इनके बारे में कुछ विशेष उल्लेख करना चाहूंगा। 78 वर्षीय उम्र है इनकी, बहुत बुजुर्ग है, चलने से भी परेशानी है, लेकिन इस भगत के उत्साह को देख करके ये अपने आप को रोक नहीं सके और मंच तक चढ़ करके आए हैं। इन्होंने मेरे को बताया कि मैं बहुत पुराना भगत का शौकीन हूँ और चाहता हूँ कि ये भगत पुनः पुनर्जीवित हो। इन्होंने 2100 रुपए सभी पात्रों को देने की घोषणा की है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री रिक्षभ चंद अमित कुमार जी जैन पुरानी ईदगाह कॉलोनी 5100 रुपए इनकी ओर से सभी पात्रों को देने की घोषणा की गई है। श्री मुकेश कुमार जैन बड़े भाई बिलथरे वाले सभी पात्रों को 1100 रुपए देने की घोषणा की है, ये सभी पैसे नगद आ चुके हैं। श्री राजकुमार जी जैन ये टोरंट के ठेकेदार हैं, लोगों को करंट प्रदान करते हैं, लेकिन आज हमें ऐसा लगा कि इन पात्रों से इन्हें ऊर्जा मिली और उस ऊर्जा से प्रभावित होकर इन्होंने 2100 रुपए इन सभी पात्रों को देने के दिए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। श्री मुकेश कुमार राकेश कुमार जी जैन गिरनार बीवेट वालों की ओर से 500 रुपए यहाँ दिए गए हैं। श्री बिसंबर दयाल रविंद्र कुमार जी जैन तेहरा वालों की ओर से 2100 रुपए सभी पात्रों को प्रदान किए गए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी महिला मंडलों को ये सूचना देना चाहता हूँ, जो लकी ड्रॉ आज यहाँ निकाला जाना था वो कूपन सारे प्राप्त ना होने के कारण उसको कल 7:30 बजे यहाँ निकाला जाएगा। सभी लोग ध्यान से सुन रहे हैं, उन्हीं त्यागी व्यक्ति के कूपन जिन महिला मंडलों ने महिलाओं ने प्राप्त किए थे और जिनके कूपन रह गए। Oh,
घर में Yeah.
घोषणा की देने की घोषणा की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद नायक परिवार हमोबा स्टोर्स की तरफ से, श्री विमल कुमार कमल कुमार जी जैन पल्लव आर्ची की ओर से 2100 रुपए यहाँ हमारे को प्राप्त हुए हैं। और इसके साथ ही श्रीमान केदारनाथ विजय कुमार जी जैन श्रावक होम्योपैथिक स्टोर की तरफ से प्रत्येक पात्र को 1100 रुपए देने की इन्होंने घोषणा की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसके शक्ति है ये बेरतगंज आगरा की तरफ से भी हमें 500 रुपए प्राप्त हुए हैं। हमें लगता है कि ये भी पति पत्नी का कॉम्पिटिशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुरू करें। ए जी जो कुछ लिखा भाग्य में तान सके ना को चल बेटी घर लो
Oh,
उन्हें और मानी एक न और हो निराश तब आज कपड़ों से कोई मोहब्बत नहीं।
गौर था नलखार तोड़ा नहीं गौर था न कपड़ों से कोई न कपड़ों से कोई मोहब्बत रही न कपड़ों से कोई मोहब्बत रही प्यारे नैनी का मन तो छिपीटोला का आते ही अल्प समय में नई नई जेनरेशन के छोटे छोटे बच्चे उन्होंने आज यह सफल प्रस्तुतिकरण परिषद के तरफ से दिया है। मैं उनका परिषद की तरफ से बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ और भविष्य में आशा करता हूँ कि वे इसी प्रकार अपना सहयोग इस परिषद को देते रहेंगे और परिषद के वृक्ष को बहुत बहुत पल्लवित करते रहेंगे। आज के इस मंचन से मंचन के उपलक्ष्य में
श्री काव्य कला भुगा सांगी परिषद के संरक्षक मंडल के दूसरे सदस्य श्री विनोद कुमार जी जैन से आग्रह करूंगा कि वे सारथी बने श्री महावीर प्रसाद जी जैन को अपने कर कमलों से ट्रॉफी प्रदान कर। इसके साथ ही मैं संरक्षक मंडल के दूसरे सदस्य श्री काव्य कला भगत संगीत परिषद के महासचिव श्री बाबा रामनाथ जी से आग्रह करता हूँ कि वे श्री कृष्ण की भूमिका में भूमिका को दर्शक के मीडिया प्रभारी श्री शरीफ सतीश चंद जी शर्मा से मैं श्री सुब्रत जैन को अपने कर कमलों गौरवान्वित करें और इसके लिए अपने कर कमलों से उन्हें ट्रॉफी प्रदान करें। राधे चौधरी सामने सामने राधे चौधरी कचहरी घाट के खलीफा जी से आग्रह करूंगा कि वो स्टेज पर आए और अंत में इस पूरी भगत काव्य का आलेख ट्रॉफी प्रदान कर उनको अंतरित सामने सामने बीच में सामने जमुना किनारे होते हुए तो इधर से मुड़कर ले जाए छिपीटोला की जो बस जमुना किनारे से होते हुए निकाल ले जाए। छिपीटोले ले जाने वाली बस के ड्राइवर को मैं सूचना दे रहा हूँ जैसा कि मुझे सूचना मिली है कि एमजी रोड पर गांधी के मंगल प्रवचन के पश्चात श्री जी की रथ यात्रा वापसी सामने 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 उसके पश्चात श्री जी को वापस छिपीटोला जैन मंदिर ले जाकर यथास्थान विराजमान कराए। श्री सत्येंद्र कुमार जी जैन को स्टेज पर बुलाता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वे स्टेज पर आए और इसके साथ ही हमारे बजरंग अखाड़ा पहला पट्टा सब बना एक बार बनाओ बना सामने सामने अरे तो आ जाएंगे तो जाओ सामने भाई जरा हाथ ला लो भाई साहब जरा विनोद जी कहाँ गए विनोद जी ये तो सामने और ये कैसे होगा शर्मा जी एक ठीक है अब अरे चेतन फरमाइए तो फरमाइए सामने के सामने चेतन आराम से आराम से आराम से चेतन आओ जल्दी अरे हाथ पात तो बताओ एक मिनट जरा भाई अरे चेतन जाओ लो अरे आइए तो देखो समुद्र में देखिए सामने देखिए भैया एक और बोलना ये परिवार के साथ पीछे रखो तो हाथ में रखी जाए शर्मा जी भाई रोकना दो मिनट एक मिनट अच्छा तुम भी खिंचाओगे भैया इनके भी परिवार नहीं है भाई हो गए सब इकट्ठे पूरा परिवार हो गया रहेगा नीचे बैठ
बच्चे बढ़ जाओ, 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 बच्च